भाजपा केंद्रीय कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आचार संहिता लगने के ठीक बाद प्रेस नोट जारी कर घोषणा की गई। इस कड़ी में भाजपा के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल से हमारे संवाददाता ने सबसे पहले बात की। जिंदाबाद कमल का फूल, जिंदाबाद, 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 कमल का फूल, जिंदाबाद, 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 श्याम बिहारी जिंदाबाद। तारीखों का ऐलान होने के ठीक बाद भाजपा केंद्रीय कार्यालय ने 64 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है छत्तीसगढ़ के अंदर में। इस वक्त हम मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल को एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताते हुए टिकट दिया गया है और उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। वो इस वक्त एक कबड्डी के कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं और अपार जन समूह यहाँ मौजूद है जिनका उनको आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि चूंकि उनको टिकट की घोषणा हो गई, हालांकि वो लगातार 5 सालों से सक्रिय रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, इसके बाद अब चूंकि जब उनके नामों की घोषणा हो चुकी है, तब अब उनका प्लान क्या होगा और किस तरह से वो आगे की रणनीति अपनाएंगे। चलिए हम बात करते हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी से। तो बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपको एक बार फिर से केंद्रीय कार्यालय ने आपको जो विश्वास जताया है, क्या रणनीति होगी? चूंकि सामने में पूर्व विधायक जी हैं डॉक्टर विनय जायसवाल जी, जो कहते हैं कि हम टिकट भी लाएंगे और जीत के भी दिखाएंगे, और आपने 5 साल काम किया है, 5 साल उनके विपक्ष की भूमिका में भी रहे हैं, इससे पहले 5 साल आप सत्ता में रहे, क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? देखिए सर, प्रथम तो आपके चैनल को ही बहुत बहुत मेरे ओर से धन्यवाद, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, जिला नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे चयन किया है। निश्चित रूप से पार्टी के जो उनका उम्मीद है, पार्टी का और क्षेत्र के जनता और कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है, उस पर खरा उतरने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। टिकट मुझे कांग्रेस का आपने बात किया, तो कांग्रेस टाइप का हमारे यहाँ टिकट लाने और टिकट के लिए लॉबिंग की स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतीक के रूप में मुझे टिकट दिया है। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का एक एक जनता और एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार है इस क्षेत्र में। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार कोई हो, हमको ये सामने मतलब नहीं है कि डॉक्टर विनय है या कोई हो, कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी हो, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। विकास काम करें, 2018 के चुनाव में भी आप प्रत्याशी रहे हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ा था, उससे आपको सबक जरूर सीखने को मिला होगा कि आखिर क्या वजह थी, उस पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? 2018 चुनाव में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस ने षड्यंत्र करके जनता के बीच धोखेबाजी करके झूठ बोल के गंगा जल लेकर उन्होंने कसम खाया और जनता को धोखा देने का काम किया, उस धोखे के जाल में पूरे प्रदेश में एक कांग्रेस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण तैयार हुआ था और उसी का परिणाम स्वरूप हम लोग इस सीट को भी हारे थे। लेकिन इस बार जनता उनके चेहरा, चाल और चरित्र, कांग्रेस की सरकार और इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, जिन्होंने जिस प्रकार से क्षेत्र को लूटने का काम किया है, मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता इस बार मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी किसानों के क्षेत्र में भी आप मौजूद हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा इसमें किस तरह से अपना लहर बना पाएगी और किस तरह से उसको कांग्रेस को पट्टे नहीं देने में कामयाब होगी? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के पूरे किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केवल बोनस के नाम पर भूपेश सरकार ने जनता को 2 रुपये किलो का गोबर खरीदकर और उसमें मिट्टी और रेता मिलाकर जनता को 10 रुपये किलो देने का काम किया है। उन्होंने जितना बोनस दिया उतना गोबर में मिट्टी मिलाकर, रेता कंकड़ मिलाकर वसूल लिया। क्षेत्र की जनता जान चुकी है कि ये किसान विरोधी कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को पैरों में खड़ा किया, तमाम योजनाएं किसानों का, चाहे साकम्भरी योजना हो, चाहे किसानों के लिए तमाम योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल होंगे, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। आप सुन रहे थे अभी श्याम बिहारी जायसवाल को, जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आपने तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनी, इस दौर में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कितनी लोकप्रियता है विपक्ष में रहने के बाद भी। अब चूंकि
चुनाव नाम की घोषणा हो चुकी है, चुनाव मैदान में आ गए हैं। अब देखना है श्याम बिहारी जायसवाल और जनता किस तरह से अपने आप को काबिज कर पाते हैं।